हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि बहुत अच्छा मौसम आ गया है और हमें बहुत सी सब्जियां लगानी हैं, और बहुत से जो गर्मी में प्लांट ख़राब हो गए थे, बहुत से गमले ग्रो बैग हैं जिन्हें हमें नए नए प्लांट लगाने हैं। बहुत से गमले खाली हो गए थे, बहुत सारे प्लांट ख़राब हो गए थे, बहुत ख़त्म भी हो गए, तो इसीलिए बहुत सारे पॉट, ग्रो बैग, गमले खाली भी पड़े हैं। जो बहुत अच्छा सीज़न अब बारिशों का आ गया है, रेनी सीज़न, तो बहुत सारे प्लांट कटिंग से लगा सकते हैं और नर्सरी से भी ला सकते हैं, और बहुत सी सब्जियां भी इस टाइम लगा सकते हैं। तो कुछ पहले की जो सब्जियां हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, बारिश का पानी जब से मिला है तब से बहुत जल्दी जल्दी वो बढ़ रही हैं। तो आज की टॉपिक इसी पे ही फ्रेंड्स, सब्जियां लगाएंगे, वही आज आप लोगों से शेयर भी करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत सारे न्यू फ्रेंड आते हैं और देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, ये है पोई साग, इसे कहते हैं, और मालाबार स्पिनिच भी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, ये पालक से 17 गुना ज़्यादा इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, बदन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आयरन, कैल्शियम, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अपने आप से क्यारी में उगते रहते हैं, तो इन्हें हमने चढ़ा दिया है कि नीचे बारिश ज़्यादा हो रही है तो पानी से गल सकते हैं सारी पत्तियाँ और ब्रांचें। और ये भी ऐसे ही ज़मीन में था करेला, तो जब से इसको चढ़ाया है तब से बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, और यहीं पे थोड़ा क्यारी में जगह खाली है, ये ज़मीन में है सारे, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पे हम कद्दू के कुछ सीड डालेंगे, 3-4 सीड। तो बहुत अच्छा मौसम है और बारिश भी हो रही है, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी इनकी, और बहुत अच्छे से ये जल्दी से बड़े हो जाएंगे और जल्दी से फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और जो फरवरी में हमने लगाए थे कद्दू, तो उनमें बहुत अच्छे से अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है जब से बारिश हो रही है। और इधर ड्रैगन फ्रूट की कटिंग लगाई थी, वो भी चल रही है। और ये पोई का साग, तो ये बेल की तरह होता है, और इसको सपोर्ट दे दो तो ये फिर चढ़ता चला ही जाता है ऊपर की तरफ, तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो भी बेलदार सब्जियाँ होती हैं। और लौकी भी लगानी है, तो यहीं कहीं जगह है क्यारी में तो लगा देंगे। और इधर मनी प्लांट बहुत ज़्यादा था, तो गर्मी से झुलस गया था, तो फिर से ग्रोथ हो रही है, बारिश के पानी से बहुत अच्छे से ग्रोथ शुरू है। और करेला भी लगाएंगे, कद्दू लगाने के बाद कुछ सीड करेले के भी लगाएंगे। और इस टाइम हम कुछ ना कुछ रोज़ लगाते रहते हैं सीड, कोई निकलता है और कोई नहीं निकलता है सीड। और इधर मधुमालती हमारा बहुत अच्छा फैला था, तो सब खराब हो गया था, फिर से अब ये ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है और फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और इधर सारे प्लांट रख दिए हैं, थोड़े छत से जो ख़राब हो रहे थे लाके। और रजनीगंधा में स्टिक निकल आई है फ्लावर वाली, और देखिए ढेरों कलियां नीचे की तरफ से खिलना शुरू होंगी, नीचे से बड़ी हो रही हैं और ऊपर की तरफ बारीक बारीक सी हैं। और इधर डेविल्स बैकबोन जो कटिंग से लगाए थे, तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, जब से बारिश शुरू हुई है तब से सारे प्लांट बहुत अच्छे से हरे भरे हो गए हैं। और इस टाइम बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं, मोस रोज और पर्सलेन की भी, और जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, जैसे गुलाब है, गुड़हल है, कनेर है, ये सब भी लगा सकते हैं। और इधर ये कद्दू जो हमारा वही फरवरी में लगाया था, एक बार इसमें एक कद्दू मिला था, उसके बाद इसकी ग्रोथ वही बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप की वजह से रुक सी गई थी, तो फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है और रोज़ एक दो फूल खिलते हैं। और इधर ये तुरई की बेल है, जो ऊपर की तरफ चढ़ाने के लिए इसको रस्सी बांध दी है। और ये बेल कद्दू वाली बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी, बारिश के पानी से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो गई है, बहुत सारी नई नई ब्रांचें इनमें आई हैं और कलियों से पूरा भर गया है, और रोज़ फूल भी खिलते हैं और फीमेल फ्लावर भी आ गए हैं, तो इसमें भी कद्दू लगेंगे। और आज हमने एक फीमेल फ्लावर को हैंड पोलिनेट किया है, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और ये जो सीड्स लगाए थे, इसमें लौकी है, लोबिया है और तुरई है, और बाकी अभी निकल रहे हैं। और इधर मेथी डाल के हमने देखे थे मेथी दाना कि निकलते हैं कि नहीं, वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। और इधर जो कटिंग लगाई थी वो बहुत बड़ा प्लांट बन गया है, मैक्सिकन पिटूनिया, और इसमें लिली का प्लांट भी है, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। बारिश में जो कुछ भी हम लगाते हैं तो बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत सारी सब्जियाँ हैं इस टाइम लगाने के लिए,
जिन्होंने नहीं लगाई है वो ज़रूर लगा लें। और थोड़े बीज करेले के यहाँ भी हम लगा देंगे, तो अगर वहाँ नहीं निकलेंगे या किसी वजह से ख़राब हो जाएंगे तो यहाँ भी निकल आएंगे। तो इसीलिए जब भी सीड लगाएं तो फिर कई जगह पे लगाएं और थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, एकदम से सारी सीड ना लगाएं, थोड़े बचा लें। और अगर निकलने में या ख़राब हो जाए, निकलने के बाद भी ख़राब हो जाते हैं सीड, तो फिर बाद में भी हम लगा सकते हैं। और जितने भी कंटेनर आप देख रहे हैं तो ये सारा किचन के कचरा और पत्तियों से भरा हुआ है, और बहुत कम मिट्टी में हम भरते हैं। ये इधर बोरी में भी जितना भी किचन का वेस्ट निकल रहा है, आम के छिलके, सब्जियों के छिलके और कोई भी सब्जी हो या फल हो, सभी के छिलके तो इस बोरी में डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी डाल देते हैं। कोई भी कीड़ा नहीं, कोई भी बदबू नहीं, और यहाँ पर रखे हुए होते हैं और धीरे धीरे डिकम्पोज होकर खाद के रूप में हमें मिल जाते हैं। और इधर तुरई और ये लोबिया है और उधर लौकी है, तो इन सब को भी रिपोर्ट करना है अब कि कहीं अच्छी जगह पे, कहीं जैसे बोरियों में हम लगाते हैं या थर्माकोल बॉक्स में, तो जहाँ जैसे बड़े चीज़ में लगाओ तो अच्छी होती है बेल वाली सब्जियाँ। बस बड़े कंटेनर या ग्रो बैग में, अगर कोई खाली नहीं है कंटेनर तो बोरियों में भी नीचे सारा कचरा भर के और थोड़ी मिट्टी डाल के और लगा देते हैं, बेल वाली सब्जी भी अच्छे से चल जाती है। क्योंकि सेम लगाते हैं हम तो बहुत अच्छी मिलती है बोरी में हमें भर भर के। और पपीता फ्रेंड्स ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों क्यारी में मिट्टी ख़राब हो गई है क्या, तो बहुत ज़्यादा पपीते के पेड़ थे हमारे और ख़राब हो गए। बहुत अच्छे हेल्दी थे, पत्तियाँ उसकी सिकुड़ गई हैं और अजीब सी हो गई हैं, ग्रोथ रुक गई है, हमें ये हटाना ही पड़ेगा शायद।